जब सर्दी खांसी से हो बिल्कुल बुरा हाल और दवाइयाँ खा खा के आप हो जाए परेशान, तो खाइए एक कैंडी लॉजेंस की एक कैंडी जो कि स्वाद और सेहत दोनों का खजाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की जो ये रेसिपी है बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि अभी जो कोरोना में सर्दी खांसी चल रहा है ये बिल्कुल उसके लिए परफेक्ट है। वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा परफेक्ट कैंडी बनाने के लिए, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा यूनिक है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आई होप आपको आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परफेक्ट कैंडी बनाने के लिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये कैंडी काफ़ी लंबे समय तक बिना रेफ्रिजरेटर के भी बाहर रहता है। तो चलिए देखते हैं आज की कैंडी की रेसिपी। इस कैंडी को बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है अदरक। तो अदरक को सबसे पहले हमने अच्छी तरीके से साफ कर लिया है और इसके बाद इसके ऊपर के जो छिलके होते हैं परफेक्टली उसे मैंने निकाल लिया है। और सेकेंड चीज, इसके बाद हमें करना है छोटे छोटे इसके पीसेस। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से मैंने इसे पीसेस में काट लिया है और अब हमें इसे करना है ग्राइंड। इसे मिक्सी की जार में हम लेंगे और बिल्कुल इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं पीसते समय, ताकि ये स्मूथली पिसा जाए, और अगर ज़रूरत ना हो तो मत डालिएगा। ये देखिए कितना परफेक्टली ये बगैर पानी के भी अच्छी तरीके से पिस चुका है। नेक्स्ट हमें पैन को गर्म कर लेना है और इसके बाद इसमें डालना है एक चम्मच भर करके देसी घी। देसी घी के भी बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं और फ्लेवर भी इस कैंडी में इसका बहुत ही गजब का आता है। और जब घी अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो उसके बाद पीसा हुआ अदरक हम इसमें डाल देंगे। तो सारे अदरक को हमें 5 से 7 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से लगातार चलाना है। जब दोस्तों काफ़ी दवाइयाँ खा खा कर भी खांसी सही नहीं होती है, तब ये कैंडी आप खाइए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। नेक्स्ट मैं यहाँ कर रही हूँ गुड़ ऐड। तो यहाँ देखिए दोस्तों, गुड़ को मैंने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है, यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसे काट लिया है। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। और इसके बाद इसे हम इसमें ऐड करेंगे। डालते ही गुड़ बिल्कुल मेल्ट होने लगता है, लगातार हमें इसे चलाते जाना है। पूरी प्रक्रिया में दोस्तों गैस की फ्लेम जो है लो टू मीडियम ही रहेगी और करछी को यानी कि स्पैचुला को आपको नीचे तक लगातार चलाना है, नहीं तो ये फटाफट से चिपकने लगता है। बिल्कुल मेल्ट हो चुका है गुड़, बहुत बढ़िया सा इसका कलर भी आया, आप देख सकते हैं। अब इसे हमें अच्छी तरीके से उबालना है। ये इसमें धीरे धीरे उबाल आने शुरू हो चुके हैं और अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो जब गुड़ अच्छी तरीके से उबल जाए, अच्छी तरीके से इसमें उबाल आ जाए, तो उसके बाद मैं यहाँ इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, लगभग 1 चम्मच के करीब। तो ब्लैक पेपर पाउडर भी मैंने घर पर ही बनाया है, बहुत ही इजी है इसे बनाना। जो काली मिर्च होती है दोस्तों, उसे हम मिक्सी में अच्छी तरीके से पीस लेंगे और उसके बाद यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ नमक। यहाँ हम यूज़ करेंगे रॉक सॉल्ट, यानी कि जिसे हम काली नमक भी कहते हैं। इसका स्वाद भी बहुत ज़्यादा गजब का होता है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होता है रॉक सॉल्ट। इसे भी डाल करके अच्छी तरीके से हमें मिक्स करते चले जाना है और अच्छे तरीके से इसे गाढ़ा होने देना है। इस कैंडी में दोस्तों स्वाद इतना गजब का होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे फ्लेवर होते हैं, जैसे कि तीखापन भी होता है, मीठा भी होता है गुड़ की वजह से, और रॉक सॉल्ट की वजह से नमकीन भी होता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से कितना गाढ़ा हो चुका है ये। तो लगभग मैंने इसे 10 से 15 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल जमने वाली कंसिस्टेंसी तक हमें इसे पकाना है। और इसके बाद मैंने यहाँ लिया है इस तरीके का साँचा। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा घी जो है ग्रीस कर लेंगे, ताकि बहुत ही आसानी से कैंडी जो है बाहर आ जाए। अगर इस तरीके का कैंडी मेकर नहीं है दोस्तों आपके पास, तो कोई बात नहीं, इसे हम बिना कैंडी मेकर के भी बनाएंगे, वो भी तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अच्छी तरीके से मैंने यहाँ ग्रीस कर लिया है साँचे को और इसके बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा हम इस तरीके से
निकालेंगे चम्मच से और ये देखिए बिल्कुल जमने वाली कंसिस्टेंसी है इसकी, इसलिए ये आसानी से नीचे नहीं गिर रहा है। तो आप दूसरे चम्मच से या किसी दूसरे चीज़ों से इस तरीके से निकाल करके फिर उसके बाद इसमें डालिए। हाथों में थोड़ा सा घी लगा लीजिए इस वक्त। इस सांचे में परफेक्टली दबाते हुए हमें अच्छी तरीके से सेट करना है। तो सारे कैंडी मेकर में हमने इस तरीके से भर लेना है कैंडी के शेप में। ये इतना फटाफट बन जाता है दोस्तों कि इसे हम बना करके बिल्कुल रखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, इसे तुरंत हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब स्वाद होता है इसका। बिल्कुल रेफ्रिजरेटर में रख करके इसे जमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ये आसानी से जम जाता है, थोड़ी ही देर में रूम टेम्परेचर में बिल्कुल परफेक्टली कैंडी का शेप इसमें आ जाता है। तो जब बच्चे इस तरीके से कैंडी के शेप में उन्हें ये सारी चीज़ें मिलेंगी दोस्तों, तो फ़ायदा तो उसका जाएगा ही, बच्चे मांग मांग कर इसे खाएंगे क्योंकि ये बहुत ही अट्रैक्टिव भी लगता है देखने में। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सारे कैंडी मेकर में फिल कर लिया है कैंडी, और इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसे रूम टेम्परेचर में यूं ही छोड़ दूंगी सेट होने के लिए। अब मैं आपको बताती हूं दोस्तों बिना कैंडी मेकर के इसे कैसे बनाना है। तो बाकी का जो यहां मिक्सचर है उसे मैं बना करके आपको दिखाती हूं। तो हाथों में मैंने थोड़ा सा यहां घी अप्लाई कर लिया है और इसके बाद चम्मच से हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से निकालेंगे और छोटे छोटे इसके बॉल्स तैयार कर लेंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे बॉल्स लगते हैं दोस्तों, ये बन करके देखिए कितना बढ़िया सा लगता है देखने में। ये देखिए बच्चे बिल्कुल मांग मांग कर इसे खाते हैं, ये इतना टेस्टी लगता है दोस्तों। साथ ही साथ सारी चीज़ों का इसमें फ़ायदा भी है। अदरक बच्चे यूं ही नहीं खाना चाहते, काली मिर्च नहीं खाना चाहते और ना ही गुड़ खाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप बना करके दीजिए उन्हें छोटी छोटी कैंडी, उन्हें बहुत पसंद आएगा। साथ ही साथ सारी चीज़ों के जो फ़ायदे हैं वो भी उन्हें मिलने वाले हैं। बहुत गजब के ये कैंडी बनकर के रेडी हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट। और देखिए ये वाले कैंडी भी मैं आपको यहाँ से डीमोल्ट करके दिखाती हूँ, कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में। ये वाले कैंडी का ये है दोस्तों फ़ायदा कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं देखने में और बच्चे को बहुत पसंद आती है इस तरीके की कैंडी। काफ़ी बार दोस्तों सिरप और टैबलेट खा खा कर भी हमें खांसी से आराम नहीं मिलता, तब आप इसे ट्राई करिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में भी। आई होप दोस्तों ये यूज़फुल सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलती हूँ आपके लिए आपके अपने चैनल पर एक आसान सी और बहुत सी यूज़फुल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।